जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। दोस्तों आज का जो वीडियो है द चाणक्य डायलॉग चैनल की ओर से है, हमारे मेजर गौरव आर्या जी का ये वीडियो है और वीडियो का जो टाइटल है निज्जर वॉज अ कैनेडियन इंटेलिजेंट एसेट ISI गॉट हिम। तो ये जो सर ने जो टाइटल लिखा ना, ये कहीं ना कहीं डाउटेबल था ही कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये अब देखते हैं वीडियो में। वीडियो देखने के पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों दो तीन खबरें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बड़ी मजेदार खबरें हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जब डॉक्टर जयशंकर, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर से ये लोग इतने सवाल क्यों करते हैं। उनको पता है कि बॉल पे छक्का पड़ना ही पड़ना है, फिर भी ये लोग ऐसे हैं बेवकूफ कि उनको फुल टॉस पे फुल टॉस देते चले जाएंगे। सिंपल सी बात थी, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अमेरिका में बैठे हैं डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि साहब ये आपका क्या कहना है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं भारत के ऊपर कि आपने निज्जर को टपका दिया, तो उन्होंने साफ सीधी बात बोल, देखिए डिप्लोमैट्स ना ऐसे ही बोलते हैं, डिप्लोमैट्स ऐसे ही जवाब देते हैं और जैसे ही डिप्लोमैट जवाब देते हैं उसका जो असर है वो उस वक्त नहीं, आपको कुछ समय के बाद पता चलता है। उन्होंने साफ सीधी बात कर दी कि ये भारत की पॉलिसी है ही नहीं। देखो हमारा देश गांधी का देश है, ठीक है ना, हमारा देश गांधी का देश है और जिसने भी अहिंसा विहिंसा की बात करी है पूरे हम उन सब का देश है हमारा, गौतम बुद्ध का देश है हमारा। तो हमारे देश में ये लड़ाई झगड़ा मार कटाओ, ये इसको जाके मार दो उसको ठोक दो, हमने आज तक नहीं करा और नीदर विल वी डू इन द फ्यूचर। तो उन्होंने बोल दिया है कि साहब ये जो एलिगेशंस हैं ये बिल्कुल गलत हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर कनाडा के पास सबूत है, कुछ चीज स्पेसिफिक है कनाडा के पास, तो हमारे साथ शेयर करें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट, अगर कुछ है तो बताओ हमें। भैया मना कब कर रहे हैं हम, ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमसे बात ही मत करो। आप दो ना हमें, आप जब कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होके पूरी दुनिया को यह सुनाते हो कि भारत ने निज्जर को मरवाया, ठीक है ना, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा, छोड़ के पनौती पाकिस्तान, पनौती पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को प्रूफ की जरूरत है ही नहीं यार। पाकिस्तान को तो अगर दिखे डॉलर की लालच और भारत की नफरत तो वो तो कपड़े उतार के जिसको कहते हैं ना सड़क पर नाचने को तैयार हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुंह में अभी लाट टपक रही है पाकिस्तान के मुंह से दोस्तों। पाकिस्तान क्या यार किसी तरीके से, यार किसी तरीके से दे ऊपर वाले, किसी तरीके से ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमारे जेब में, हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं कनाडा को, इतने सपोर्ट करते हैं कि शर्मा शर्मी में जस्टिन ट्रूडो एक दो अरब डॉलर हमारे मुंह पे फेंक दे, मुंह पे मार दे हमारे एक दो अरब, तो हमारा काम बन जाएगा। ये पाकिस्तान का गेम प्लान है और अगर उसमें भारत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो सोने पे सुहागा है। तो देखो काफिर भी परेशान और काफिर का पैसा भी हमने लूट लिया, दोनों तरफ काफिर काफिर, बीच में मौज है। तो ये पाकिस्तान का गेम प्लान है। अच्छा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, देखो यार पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पनौती है यार, समझो ये कॉन्सेप्ट समझो। पनौती क्या होता है, पनौती वो होता है कि जो अच्छी खासी चीज को अगर छुए ना, अच्छी भली चीज को छुए तो वो चीज राख हो जाती है, वो चीज राख हो जाती है दोस्तों, तो उसको कहते हैं पनौती, पाकिस्तान पनौती है ना। अगर पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि अगर कोई लेट से अगर कोई गुलाब का फूल है, पाकिस्तान अगर उसको हाथ लगाए तो मट्टी बन जाएगा। अगर पाकिस्तान सोने को हाथ लग गए, सोने को हाथ पाकिस्तान लगा दे तो सोना जो है ना वो कीचड़ बन जाएगा। ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं कोई पाकिस्तान से घृणा करने वाला नहीं हूं, मैं आपको सच बताता हूं पाकिस्तान के बारे में। तो जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ना कनाडा को, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कनाडा के लिए बहुत बड़ा वो काम कर रहा है, एक्चुअली कनाडा को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जब दुनिया कनाडा को देखेगी, दुनिया कैसे जज करती है भाई, आपके घर में माँ बाप नहीं कहते आपसे कि बेटा उस लड़के के साथ मत जाना, वो खराब लड़का है यार, उसके साथ नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो बदमाशी करता है, लोगों की जेबें काटता है, मतलब चोर उचक्का है, उसके साथ तुम उठना बैठना बंद करो, तुम उस लड़के के साथ उठो बैठो जो कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, जो कि सीरियस है। ऐसे होता है ना घर में, तो देशों में भी ऐसे ही होता है। अब इन्होंने क्या है कि इन्होंने पाकिस्तानियों ने और ऊपर से प्रधानमंत्री से लेके इनके और नीचे वाला जो सड़क में रेड़ी लगाता है,
सबने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने बिल्कुल कहते हैं कि पूरा कनाडा को सपोर्ट दे दिया। अब क्या हुआ कि दुनिया कैसे देख रही है, दुनिया कह रही है कि अच्छा कनाडा ने इतना बड़ा भंड मारा है, बोला कि निज्जर को निपटा दिया इंडिया ने, अब कौन कौन, जरा बताओ भैया कौन कौन सपोर्ट करता है। यूएस आप सपोर्ट करते हो? नो सर। ऑस्ट्रेलिया? नो सर। इंग्लैंड? नो सर। फ्रांस? नो सर। इटली? नो सर। साउथ कोरिया? नो सर। ब्राजील? नो सर। चाइना? नो सर। पाकिस्तान? यस सर। तुम्हें पाकिस्तान सपोर्ट करता है? फाट मारा जस्टिन ट्रूडो, बैठ जा नीचे। कितनी बार समझाया ना तेरे को चोर चक्कों के साथ नहीं बैठना, तेरी कंपनी ऐसी है इसीलिए छिझोरा हो रखा। ये स्टोरी है दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज है कि जितना पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कनाडा को, ठीक है, उतना कनाडा की पुंगी बजेगी सबके सामने। जाहिर सी बात है यार, लोग यही बोलेंगे अच्छा तुम इन चोर चक्कों के साथ बैठते हो, पड़ाक। यही होने वाला है जस्टिन ट्रूडो के साथ। और पाकिस्तानी ये समझते नहीं, पाकिस्तान को ये लगता है हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जिनके पास बम है। ये है करके पाकिस्तान से है की मिसाइल इनकी गई और कनाडा में गिर गई इनकी है वाली मिसाइल, ठीक है। अब ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सपोर्ट करें, वेल डन पाकिस्तानी, वेल प्लेड। मैं चाहता हूं तुम और सपोर्ट करो, तुम्हारी पूरी 25 करोड़ की 25 करोड़ कौम पूरी कनाडा को सपोर्ट करो, ठीक है ना। तुम लोगों ने पाकिस्तान को डुबा दिया, खुद अपने मुल्क को तुमने डुबा दिया, अब जाओ कनाडा को डुबाओ। जस्टिन ट्रूडो डिजर्व सपोर्टर्स लाइक यू, है ना। जब पूरी दुनिया देखेगी कि इसके बगल में कौन खड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहता है हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है यार। पाकिस्तान ये कहता है कि तो पाकिस्तानी तो वैसे ही दिमाग से पैदल हैं। इनको ये सबूत, प्रूफ, जज, कोर्ट, इन सब से तो मतलब है ही नहीं यार। इनको तो खजूर, जिसने फेंका जीभ लपलपाई और टेबल से देखा कहां से बोटी कहां से हड्डी, दैट्स इट। नेशनल पॉलिसी यही है, नेशनल कैरेक्टर यही है। चलो फटाफट तो जाओ पाकिस्तानी सपोर्ट करो। मैं थैंक यू कहता हूं पाकिस्तानियों को, और सपोर्ट करो इस जस्टिन ट्रूडो को ना, इसकी सरकार गिराओ और तुम ही गिराओगे बेटा। और जोर से जरा सपोर्ट करो, ये तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है काकड़, ये भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, ठीक है, ठंडा पड़ गया। काकड़ को बोलो कि नहीं काकड़ साहब, तो तुम थोड़ा सा चवनप्राश खाओ, थोड़ी सी कुछ जड़ी बूटियां खाओ, थोड़ी सी हड्डियों में जान लाओ, पाए शाए पियो सवेरे, और देन गो टू वर्क, ठीक है, और सपोर्ट करो कनाडा को। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, एक बड़ी खबर है जिससे पूरा गेम जो है ना बदलता हुआ दिख रहा है, पूरे निज्जर और कनाडा वाले मामले में, ठीक है। ये सबसे पहली चीज है कि उसके बेटे ने बोला है, निज्जर के बेटे ने, ठीक है ना, इसने बोला है कि इसका बेटा 21 साल का बलराज सिंह, ठीक है, निज्जर का इसका बेटा है बलराज सिंह। ये कहता है कि मरने से 6 दिन पहले ये कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS से मिला था यार, और ये भी कहा था कि ये CSIS के साथ ये लगातार मिलता, मतलब ये मिलता रहता था ये निज्जर। अब ठीक है, इसको अगर कोई थ्रेट थी तो उसको पुलिस बता देती, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आपको थ्रेट है। ये कैनेडियन इंटेलिजेंस से लगातार दर लगातार मिलता चला आ रहा था, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें लिखा है 21-year-old बलराज सिंह क्लेम दैट इज फादर स्टार्टेड मीटिंग द CSIS ऑफिशियल्स आफ्टर फेब्रुवरी एंड वॉज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू मीट देम 2 days आफ्टर ही वॉज किल्ड। यानी कि वो काफी समय से, ठीक है ना, फरवरी से, अभी तो ये तो सितंबर है ना, तो इस साल के फरवरी से वो लगातार दर लगातार कनेडियन इंटेलिजेंस वालों से मिल रहा था निज्जर, ठीक है जी, निज्जर उनसे मिल रहा था। और जिस दिन निज्जर की हत्या हुई है उसके 2 दिन के बाद उसकी और मीटिंग फिक्स थी। तो निज्जर को कौन कनेडियन इंटेलिजेंस से रोकने के चक्कर में था कि इसकी मीटिंग ना हो पाए, यह देखना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज है कि जब कनेडियन पुलिस ने निज्जर को यह बता दिया कि तेरी जान खतरे में है, तो उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करी, मैं ये जानना चाहता हूं। और यह सवाल सब हिंदुस्तान में पूछ रहे हैं कि भाई तुम खुद कह रहे हो कि उसकी जान खतरे में थी, तुम खुद मान रहे हो कि उसकी जान खतरे में थी, और फिर तुमने खुद ही उसको सिक्योरिटी नहीं दी, ये गलत है ना, आपको करना चाहिए था। और ठीक है, सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर उसका कत्ल हो जाता, उसका मर्डर हो जाता, तब हम बात समझ जाते कि साहब कनेडियन अथॉरिटीज ने अपना काम, ये खुद ही नालायक है कनेडियन, दे आर ब्लडी इनकॉम्पिटेंट इडियट्स, इन्होंने, इनको, ये कनेडियंस को ना कुछ नहीं पता, इनसे आइस हॉकी खिलवा लो, ये मूस वूस का पीछा कर लेते हैं, और ये कुछ, ये नालायक कौम है कनेडियंस की,
इनको ये नहीं पता कि इनकी पार्लियामेंट में एक नाथसी आ गया, उसको कहते हैं यू आर अ हीरो ऑफ द कैनेडियन पीपल, यू आर अ हीरो ऑफ द यूक्रेनियन पीपल। एक नाथसी को इन्होंने ऑनर कर दिया, इनको वो नहीं पता। ठीक है, निज्जर को कब कौन थैंक यू बोल के चला गया, इनको वो नहीं, इनको कुछ नहीं पता लगता। पता नहीं अजीबो गरीब लोग हैं ये लोग, और इतने पैसे पता नहीं क्यों डालते हैं अपनी इंटेलिजेंस में ये। अब देखो, द स्टेटमेंट हैज लेड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज टू रेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट एडवाइस टू द खालिस्तानी सिंपथाइजर नॉट टू गो टू गुरुद्वारा एट यूजुअल टाइम्स एंड टू अवॉइड बींग सीन इन पब्लिक एज क्लेम बाय सन। अब जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसने ये बोला है कि उन्होंने अपना शक जाहिर करा इंडियन इंटेलिजेंस ने कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला इसको, भाई आपने निज्जर को, यानी कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने, इंडियन इंटेलिजेंस ये शक जाहिर कर रही है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने निज्जर को ऐसा क्यों बोला कि भाई आप जो गुरुद्वारा जाते हैं आप यूजुअल टाइम पे मत जाएं, आप पब्लिक में ना दिखें, ऐसा क्यों बोला आखिर। ठीक है, और एक और चीज जो इंडियन इंटेलिजेंस कहता है कि ये डिसीजन नॉट टू प्रोवाइड हिम सिक्योरिटी, ये जो मैं बात कह रहा था ना कि ये जो डिसीजन था कि हम निज्जर को सिक्योरिटी नहीं देंगे, जो कैनेडियंस का डिसीजन था कि निज्जर को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, इसका मतलब कैनेडियंस ने और आईएसआई वालों ने, आईएसआई भी चाहता था निज्जर को मारना और कैनेडियंस भी चाहते थे कि बहुत बड़ी यह पनौती बन चुका, अब इसको निपटारा हो जाए। आईएसआई ने निज्जर को मरवाया, कैनेडियंस ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, जब वो मर गया तो उसके बाद ट्रूडो ने बोल दिया कि ये तो भारत ने मारा है। अच्छा, लोग काफी ये सवाल पूछेंगे कि भाई आईएसआई क्यों मरवाएगा निज्जर को, आईएसआई का क्या गेम है भाई, अगर वो खालिस्तान खालिस्तान कर रहा है, राइट, अगर वो खालिस्तान खालिस्तान कर रहा है और भारत की नाक में दम बना के रखा है उसने, निज्जर ने, या बना के रखा था इन द पास्ट टेंस, तो आईएसआई को तो खुश होना चाहिए था उससे, आईएसआई उसको क्यों मरवाता। अब मैं आपको उसका भी आसान जवाब दूंगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान जो है ना कई समय से FATF की ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान की नाक से खून निकल रहा है और भारत इस पर आमादा है कि पाकिस्तान दोबारा चले जाए, किसी ना किसी बहाने 4-5 साल के लिए दोबारा ग्रे लिस्ट में चला जाए, और भारत पूरी कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो थैंक यू इतने बोले जा रहे हैं, अचानक लश्कर का मर गया, जैश का मर गया, इसका मर गया, ये कैसे हो रहा है? ये खुद आईएसआई जितने भी, देखिए जितने भी सुराग है ना, ये सुराग बंद कर रहा है आईएसआई। आप समझिए प्रॉब्लम, ये इनके सामने दो चीजें हैं, निज्जर जैसा बंदा भारत को हल्का फुल्का एम्बेरेस कर सकता है, निज्जर की और कोई औकात थोड़ना है कि कुछ करवा दे, कोई बड़ा कांड करवा दे, उतनी औकात नहीं थी निज्जर की, हल्का फुल्का कभी ये करवा दिया, कभी रेफरेंडम करवा दिया, गुरुद्वारा साहब के सामने चला गया, कुछ बदमाशी कर ली, ये सब छोटी मोटी जो क्राइम वाली हरकतें वो कैनेडा में कर सकता था निज्जर, इसके अलावा निज्जर के बस का कुछ था नहीं। लेकिन निज्जर को फंडिंग थी, क्योंकि बिना पैसे, भाई वो बंदा कह रहा मैं प्लंबर हूं, कोई भी प्लंबर, आप सोचिए ना, कोई भी प्लंबर क्या इतना बड़ा टारगेट हो सकता है कि भारत अपने बंदे भेजे कि उस प्लंबर को मारो, यार उसने हमारे घर में जो बाथरूम था उसका नल उसने ठीक से टाइट नहीं करा, तो तुम लोग जाके उसको टाइट कर दो, कैसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, भारत अपने बंदे भेजेगा, जैसा ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी या कैनेडियंस, रॉ के एजेंट भेजेगा कि तुम जाके एक काम करो, ये प्लंबर है जिसका नाम निज्जर है, तुम प्लंबर को निपटा दो, हाउ इज इट पॉसिबल यार, को प्लंबर को मरवाता है, खुद सोचिए। तो उसको मरवाया क्यों गया? क्योंकि वो जो प्लंबर था वो खालिस्तानी था, वो जो प्लंबर था उसकी टेररिस्ट लीनिंग्स थी, वो क्राइम करता था, ठीक है जी, वो क्राइम करता था आईएसआई के बेहेस्ट पे कनाडा में रह के, और आईएसआई अब जितने भी, जिसको कहते हैं ना टाइंग अप लूज एंड्स, वो काम दोस्तों आईएसआई ने शुरू कर दिया है। अब दोस्तों एक और तगड़ी स्टोरी है, पाकिस्तान से आई है, और ये स्टोरी जो है आपका दिल खुश कर देगी। ये देखिए, द सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, एक है कमिटी इनकी ओवरसीज पाकिस्तान, जैसे हमारे एनआरआई होते हैं इनके ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं, तो इनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, जुल्फिकार हैदर, जुल्फिकार हैदर है, उसने ये इंफॉर्मेशन दी है इनको कि 90% ऑफ पाकिस्तानीज, यानी कि अगर जो भिखारी हैं, भिकमंगे हैं विदेशों में, आप समझ लीजिए, अब गेम देखिए इनका, विदेशों में जो 90% भिखारियों को अरेस्ट करा जाता है ना, मतलब जो भी अगर 100 भिखारियों को अरेस्ट करा है तो उसमें से 90 पाकिस्तानी हैं, ये उसने बोला है सेनेट में। अब आप सोचो, सेनेट के फ्लोर पर कह रहा है ये कह रहा है कि भाईजान 100 में से 90 भिखारी जो अब्रॉड अरेस्टेड होते हैं, जिनको
पुलिस हिरासत में लेती है, वो पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना हर समय कि भाई हमारे सियासतदान भिखारी हैं, हम बड़ी गैरतमंद कौम हैं, हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं, है जी, हमें बड़ा जज्बा है, कोई जज्बा नहीं है, तुम्हें भीख मांगने का जज्बा है, ये तुम्हारा खुद ये बंदा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारा बंदा कह रहा है कि ये खुद सारे के सारे 90% भिखारी हैं उसमें। 90% जो पाकिस्तान, मैं फिर से आपको डेटा बताता हूं, अगर दुनिया भर में 100 भिखारी पकड़े गए पुलिस के द्वारा, अलग अलग जगह से पकड़े गए, कोई फ्रांस से पकड़ा गया, लंदन से पकड़ा गया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, हर जगह से अगर भिखारी पकड़े गए, 100 भिखारी पकड़े गए, तो उसमें से पूछा तुम कहां के हो, तुम कहां के हो, तुम कहां के हो, तो 100 में से 90 ने बोला जी हम पाकिस्तानी हैं। या देख लो, अब पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, रॉ की साजिश, रादी साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश, साजिश कुछ नहीं, तुम भिखारी हो, ठीक है, स्टॉप बेगिंग एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और मेजर गौरव आर्या जी ने जो बताया वो सारी बातें सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को डाउट था कि जो निज्जर वाला जो मामला है ना, पूरा का पूरा लिंक जो है वो पाकिस्तान से खुलेगा, और खुला, और उसके सबूत मेजर गौरव आर्या जी ने बताए है। और सबसे बड़ा फनी जो था ना वो 90% वाला था। अभी भी वो लोग मतलब अभी भी शर्म नहीं आएगी कि वहां की उसकी जो इंटेलिजेंस, उसकी जो मीटिंग होती है उसमें वहां के ही बंदे बोल रहे हैं कि हमारे जो नागरिक बाहर मतलब कमाने के लिए जाते हैं, उनमें से वहां पे विदेशों में जो जितने भी भिखारी को गिरफ्तार किया जाता है ना, क्योंकि विदेशों में भीख मांगना एक गुनाह भी है, क्योंकि वहां पे क्या है कि जैसे हमारे देश में जितनी आवाम है उतनी आवाम बाकी के देशों में नहीं है, तो वहां पे वैसे भी लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, तो ये वहां पे जितने लोग भीख मांगते हैं उसको मतलब जेल में डालते हैं, और उसको काम दिया जाता है जेल में, मतलब उसको सजा नहीं देते, तो कुछ दिन रखते फिर उसको अच्छे से काम पे लगाया जाता है, ताकि मतलब ये जो मतलब लोगों की जरूरत पड़ती है ना बाहर से लाना पड़ता है, वो कम लाना पड़े, तो ये वहां पे कानून है, तो वहां पे जितने भी लोगों को मतलब भीख मांगते हुए अरेस्ट किया जाता है उनमें से 90% मतलब 100 में से 99 पाकिस्तान के होते। देख लो पाकिस्तानी आपकी औकात तो देख लो, देखो ये भिखारी वाला वर्ड पे हमें हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का शब्द तो मेरे को हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो भिखारी वाले शब्द पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भी पहले की बात करता हूँ, जब हम छोटे थे उस समय बहुत ही हालात हमारे देश में भी खराब थी, रोजगार मिलना ये सब कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल था उस समय, लेकिन अब सब कुछ सही है। अभी भी थोड़े बहुत गरीबी रेखा में है, तो उसको भी जल्द ही बाहर आए जाएंगे वो लोग भी, तो ऐसी हमें आशा है, क्योंकि अब रोजगार अच्छे खासे हो रहे हैं देश के अंदर, तो ये एक हमारे लिए अच्छी भी न्यूज है कि हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी का जो ग्राफ नीचे था वो अब हो चुका है, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे वो, उसके लिए भारतवासियों आप सबको हमारी ओर से और हमको भी हमारी ओर से कांग्रेचुलेशन कि हमने इतनी मेहनत की, हमने एजुकेशन पे ध्यान दिया और हम आगे बढ़े, कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्टार्टअप किए, तो आज हम सुखी है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी मुल्क का है पाकिस्तान का, कि उन लोगों को मतलब बहुत सारी कंट्री ने बोला था कि भाई आप लोग सुधर जाओ, अब जब FATF का जब प्रेशर आया तो वो कहीं ना कहीं सुधरने लगे हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? तो फरी थी बोलू आई थी वीडियो अच्छा लगा आप नहीं ना 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 फरी थी सो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और जो मेजर गौरव आर्या ने हमें जो बातें बताई है वो सारी की सारी बातें सत्य के नजदीक है, क्योंकि देखो ऐसा भी हम किसी के ऊपर डायरेक्टली बोलना भी नहीं चाहिए, सारी बातें सत्य है। मेजर गौरव आर्या जो बताते हैं
वो उसमें मतलब जो सत्यता के पूरी तरह हम नजदीक होते हैं ना, वैसी वाली बात बताते हैं। और जहां पे मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था जो सत था वही हुआ, तो उसका मतलब यही कि मैंने पहले के जो वीडियो है उसमें भी बोला था कि मतलब मैंने बोला था कि मेरे को इसमें कहीं ना कहीं डाउट पाकिस्तान का हाथ लग रहा है। तो मेजर गौरव आर्या जी ने क्लियर कर दिया कि क्या है इसमें, मतलब ISI का हाथ भी है पाकिस्तान की एजेंसी का, मतलब अब पता चल गया। तो वो इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान में मतलब पूरी तरह से FATF जो है उसका प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे मेरे को लग रहा है अब FATF की हुकूमत आने वाली है कुछ समय में पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत पैसा ले लिया है पाकिस्तान ने उन लोगों के पास जो अब सुखाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। और दूसरी भी इसमें कई सारी बातें आई, निज्जर निज्जर जी के बेटे का भी इसमें जिक्र आया, उन्होंने भी बताया कि मतलब जब वो उसका जब मतलब डेथ हुई, मर्डर हुआ उसके 6 दिन पहले की बात उसने बताई कि वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड थे, वो भी बात सामने आई। और सबसे बड़ी बात कि देखो भाई, उन लोगों ने कैनेडियन लोगों ने खुद निज्जर को कहा था कि आपके ऊपर जान का खतरा है, ये सब कुछ है, तो फिर भी ये लोग ने ब्लेम इंडिया पे डाल दिया। और सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, देनी चाहिए थी और ना? ये जब इंडिया में ब्लेम डाला गया ना इंडिया के ऊपर, मेरे को वहां से ही डाउट हुआ था, क्योंकि प्रूफ नहीं था तो डाउट मेरे को वहां के टूडो के ऊपर नहीं था, डाउट मेरे को पाकिस्तान पे था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हर बार ऐसी हरकत करता है हर बार, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। तो इसलिए टूडो जी ने, क्योंकि निज्जर वो कहीं ना कहीं ISI के साथ मिला हुआ था और ISI और ये जो खालिस्तान है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उनकी वजह से मतलब प्रेशर आया होगा उसके ऊपर कि भाई तो तुम्हें ये बयान आपने नहीं दिया तो आपकी सरकार गिरा देंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो जोर जाल हुआ होगा, तो ये पक्का है। और खास करके अब जो टूडो जी है उसके विरोध में कैनेडियन नागरिक भी उतर चुकी है, तो अब तो निज्जर जी की सरकार भी गिर जाएगी। और दूसरी बात, सॉरी निज्जर जी की, टूडो जी की सरकार है वो गिर जाएगी, सॉरी फॉर देट। लेकिन वीडियो देखने के बाद हमें तो पूरा नॉलेज मिल चुका है, बहुत ही मजा आ रही है। गौरव मेजर गौरव आर्या जी हमें जो बताते हो और पाकिस्तान की अच्छी अच्छी खासी बताते हैं, और वो सत्य बात बताते हैं प्रूफ के साथ बोलते हैं। एब्रोड में भिखारी पकड़े जाते हैं, 100 भिखारी तो उसमें 90% तो पाकिस्तानी, वो सबसे बड़ा फनी। हालांकि उसने प्रूफ के साथ बोला मेजर गौरव आर्य, मैं उसको फनी बोलता हूँ, इसलिए फनी बोलता हूँ क्योंकि देखो वर्ल्ड में हमारे देश के अलावा और चाइना के अलावा बाकी जो कंट्रीज है वहां पे आवाम कम है, मतलब उस देश को जितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए उतने लोग वहां पे है नहीं, और वहां पे जो लोग भीख मांगते हैं उसके ऊपर मतलब कानूनी वहां पे नियम बने हुए हैं, तो वो लोग जब भिखारी को पकड़ते हैं तब उनमें से 100 को पकड़ते तो 90 पाकिस्तानी निकलते हैं, तो वो 90 पे मेरे को फनी बहुत लगा कि यार आपका मतलब पाकिस्तानी हर बुरे कामों में आगे होता है, नंबर वन होता है। पाकिस्तानी बोलते हैं ना हम नंबर वन कौम है, हम जज्बे वाली कौम है, देख लिया पाकिस्तानी आपका। तो दोस्तों वीडियो से हम अभी विदाई लेते हैं, मिलते हैं और नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।